हेलो दोस्तों, मैं रवि श्री कंपटीशन फोकस से मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी का करंट अफेयर। मैंने पिछली क्लास में यूपी का करंट अफेयर पार्ट वन पढ़ाया था और उसके बाद मैं आप लेके आया हूँ पार्ट टू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले विगत जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें या तो आए हुए या तो आने की संभावना रही है। इसके साथ मैंने यूपी के लिए और भी वीडियो बनाए, हमारी टीम ने बहुत उस पर काम किया है, इसलिए उसे देखिए और याद कीजिए ताकि आप सफलता पा सकें। हमारा केवल और केवल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को सफलता दिलवाना। और ये फालतू का कंटेंट नहीं है, इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें सुझाव दें कि हम बेहतर कैसे बन सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो के बेल को भी जरूर दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि पेन और कॉपी आप ले लेंगे तो वो चीज़ आराम से आप नोट कर पाएंगे जो मैं बोलता हूँ। कुछ चीज़ें लिखी तो होती हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ मैं वो लिखी नहीं होती, लेकिन मैं बोलता हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर का पार्ट वन मैंने करवा चुका हूँ और पार्ट टू मैं करवाता हूँ आपको। अब 59 से 58 तक मैं करवा चुका हूँ, 59 था ये। सैमसंग ने 20 नए सैमसंग स्मार्ट हेल्थ केयर स्टार्ट करेगी। सैमसंग कंपनी है, आप जानते हैं, मोबाइल बनाती है, टीवी भी बनाती है, ये सब चीज़ें बनाती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब कुछ बनाती है। तो ये कंपनी ऐसी कि जब भी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है उसकी कुछ लाइबिलिटी बनती है। क्यों लाइबिलिटी बनती है? क्योंकि वो हमारी जेब से, जब हम किसी मोबाइल को खरीदने जाते हैं, वो 5,000 का हो, 10,000 का हो, वो कंपनी हमें मोबाइल देती है, इसके बदले में हम उसको पैसे देते हैं और वो पैसे अपने देश ले जाती है तो अपने अपना काम करती है और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती है। इसके लिए वो हमारा पैसा लेके जा रही है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि हमारे देश पर भी कुछ खर्च करें। तो उसके लिए ये कंपनियां कुछ करती रहती हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड या फिर कोई और केयर से रिलेटेड करती रहती काम। जो सैमसंग ने किया है, सैमसंग स्मार्ट हेल्थ केयर स्टार्ट सेंटर्स लगाएगी। इसमें आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ये सैमसंग के द्वारा लगाया जा रहा है। अगला है, 2 जनवरी 2018 को यूपी ने सिंगल स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया है। ये यूपी में आप जानते हैं लखनऊ मेट्रो शुरू हो चुका है और गाजियाबाद और नोएडा में भी मेट्रो चल रही है, जो कि दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंडेड रूप है। तो इस तर्ज पे अगर मेट्रो को सुगम बनाना है, उसके बारे में कुछ सोचना है या उसको अलग फंड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल की। तो ये सिंगल स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया है, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लाया गया है। तो इसका गठन आप सोचेंगे किसकी तरह हुआ है, मतलब किसकी कॉपी की गई है, तो महाराष्ट्र रेल कॉरपोरेशन, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मेट्रो रेल चल रही है, उसकी कॉपी की गई है। आगे है, भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट की जो उसमें पैसा लगा हुआ, पूंजी लगी हुई है यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, वो 50-50% की लगी है। मतलब भारत सरकार ने अगर 100 रुपये लगाया गया है तो भारत सरकार ने 50 रुपये लगाया है और यूपी गवर्नमेंट ने भी 50 रुपये लगाया है। अगला है, 1 फरवरी को यूपी में अयोध्या से गौ यात्रा प्रारंभ हुई। 1 फरवरी जो बीता समय है, यूपी से अयोध्या से, यूपी के अयोध्या से, अयोध्या जानते हैं आप राम जन्मभूमि है, यहाँ से गौ यात्रा प्रारंभ हुई है और ये 7 फरवरी को दिल्ली पहुंच गई थी। www, ये आपको जैसे लग रहा है कोई एड्रेस है, वेब का एड्रेस है, जी हाँ ये वेब का ही एड्रेस है, ये www.yuvasangam.in, yuvasangam.in नाम से ये वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, जैसे प्रदेश के युवा हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि वे ये 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के समाधान है, प्रोत्साहित किया जाएगा। इस युवाओं को 11, मतलब बहुत सारे इशू होते हैं जो कि सामाजिक विषयों पे होते हैं, इनको समाधान करने के लिए ये बनाया गया युवा संगम वेबसाइट बनाई गई है। इसमें युवाओं को 11 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है, देखिए 5 अक्टूबर को
एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब हमारा एक भारत है और श्रेष्ठ भारत सबसे श्रेष्ठ भारत है, जिस देश का जो निवासी होता है उसके लिए वही देश श्रेष्ठ होता है। कार्यक्रम के तहत कौन सा कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आपसी सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु, आपसी संस्कृति मतलब हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उन लोगों को मिलाकर आपसी संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु क्या है, यूपी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इन तीनों के बीच, यूपी अरुणाचल प्रदेश मेघालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी अरुणाचल प्रदेश मेघालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ, समझौता किया गया है किस चीज के रिगार्डिंग, रिगार्डिंग आपका क्या है, आपसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी योजना का जो कार्यक्रम है इसका नाम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए तीन है, तीन स्टेट है, यूपी है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। अगला है प्रकृति एवं वन्य जीव प्रेमियों, देखिए प्रकृति एवं वन्य जीव प्रेमी होते हैं जो जिनको बहुत लगाव होता है वन्य जीव और प्रकृति से, कि आर्द्र भूमि, आप जानते हैं वेटलैंड, वेटलैंड क्या है, होता क्या है वेटलैंड, एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर देखे तो रामसार साइट होती है, रामसार साइट वो वेटलैंड को बताती है कि कौन सा वेटलैंड रामसार साइट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके संरक्षण हेतु, ये उसकी बात नहीं कर रहे हम, वेटलैंड की बात कर रहे हैं जो प्रदेश में है, संरक्षण हेतु समागम, इसको बचाने के लिए। देखिए वेटलैंड अगर रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेटलैंड, क्योंकि वेटलैंड से हमारे जो मवेशी होते हैं और भी जो जंगली पशु पक्षी होते हैं उनको पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, ये सब चीजें मिलती हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेटलैंड। समागम हुआ है, ये आयोजन कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये गोमती नगर, गोमती नगर आप जानते हैं लखनऊ में है, यहाँ पे समागम किया है। इसका जो विषय है एडॉप्ट ए वेटलैंड, वेटलैंड को एडॉप्ट कीजिए, इसका मतलब है आपके आसपास अगर कोई वेटलैंड है उसको आप सुरक्षित कीजिए, उसको बढ़ाइए, ताकि वेटलैंड में जो मवेशी हैं, जो हमारे जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, वो आके पानी पिए, वहाँ पर रहें, इससे क्या होता है उनके ब्रीडिंग बढ़ती है, और आप जानते ही हैं कि अगर ये जीव होते हैं तभी हमारा पर्यावरण का विकास होता है, इसलिए वेटलैंड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगला है, उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, अब वेटलैंड की बात आई है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पक्षियों को पानी कहाँ मिलेगा, ऐसे हमारे की तरह तो वो नल नहीं लगा सकते, तो वेटलैंड जो होता है वहां पे ही ये लोग पानी पीते हैं, और इसीलिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार है और 25 महत्वपूर्ण ब्रीडिंग बर्डिंग, लेकिन बर्डिंग पक्षी क्षेत्र है, बर्डिंग क्षेत्र कितने हैं 25 बर्डिंग क्षेत्र हैं। अगला है नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2017, नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2017 मनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ मनाया गया है, कानपुर में मनाया गया है, हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी, जानते हैं आप यूपी में जो सबसे बड़ा जो उद्योग है, उद्योग क्या कहें मतलब जो सबसे बड़ा जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं वो है हथकरघा वस्त्रों का, वस्त्र है हथकरघा उद्योग है। तो आगे चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामो उद्योग रोजगार योजना, देखिए बड़ा नाम है आपको याद करना होगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट याद करने के लिए है ग्रामो उद्योग रोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से हम सब परिचित हैं, ग्रामो उद्योग रोजगार योजना, इसको क्या किया गया है यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के, देखिए ये हर जगह नहीं लागू किया गया, यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड, पूर्वांचल में आप जानते हैं कौन से ईस्ट यूपी आता है, और बुंदेलखंड का वो जो आता है झांसी मंडल का क्षेत्र आता है, इसमें 24 जनपदों को सेलेक्ट किया गया है, इसमें एक जनपद एक उत्पाद मतलब एक जनपद के लिए एक उत्पाद, एक ही प्रोडक्ट एक जनपद के लिए, ऐसा स्लोगन बनाया गया है, चिन्हित करके उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाएगी, मतलब जो जहाँ पे ज्यादा उद्योग होते हैं वो उनको वरीयता के आधार पर दिया जाएगा, और एक जनपद एक उत्पाद की तरह ये काम किया जाएगा। यूपी के दिवस के अवसर पर, यूपी दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम लखनऊ, अवध शिल्प ग्राम है ये लखनऊ में, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, समग्र देखिए नाम याद करिएगा इसका, समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया। अगला है इसी योजना की बात कर रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत
सीमावर्ती क्षेत्र पर देखिए, समग्र ग्राम विकास योजना मतलब ग्राम आ रहा है तो मतलब ग्राम का, ग्रामीण का विकास होगा कुछ। तो अब देखिए क्या है, अंतर्गत सीमावर्ती जो क्षेत्र सीमावर्ती है मतलब कि मैं बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर एरिया पे हैं सीमावर्ती, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राज्यीय हो, ये सीमावर्ती चाहे हमारा नेपाल बॉर्डर हो, चाहे मध्य प्रदेश या फिर आपका बिहार बॉर्डर हो या फिर राजस्थान बॉर्डर हो, इस क्षेत्र पर स्थित अपेक्षित उपेक्षित उपेक्षित क्या होता है, जिनके बारे में हमको हम ध्यान न देते हो, ध्यान नहीं दिया गया, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है, उन ग्रामों का विकास किया जाएगा, उन ग्रामों का विकास किया जाएगा। कैसे कि विकास किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है गौरव पथ, बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव पथ, गौरव पथ एग्जाम में आ सकता है, पक्के सड़क मार्ग से इस ग्रामों को, इन ग्रामों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। ये जो पक्के सड़क मार्ग है मतलब पक्के सड़क बनाए जाएंगे, होता क्या है गांव में पक्की सड़कें आजकल होने लगी हैं, लेकिन कुछ सुदूर के गांव होते हैं जो रिमोट एरिया के गांव होते हैं वो बॉर्डर एरिया पे होते हैं, ना उन पर वो सरकार ध्यान दे पाती है जो जिस राज्य की है, ना पड़ोसी तो देखेगा ही नहीं, तो वो दूर पड़ जाता है। इसलिए गौरव पथ बनाया गया है ताकि इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से, संपर्क मार्ग से जोड़ा जा सके। तो अगला देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है जब हम कूड़ा कचरा इन सब चीजों को, ऐसी चीजों को लेके जो मतलब हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हैं, इसको लेकर हम, या फिर कोई और जैसे हमारे मवेशी होते हैं उनके गोबर वगैरह को हम धरती के अंदर दबा देते हैं और उससे हम खाद बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में, और इसमें वर्मी मतलब कि आपका केचुए वगैरह का यूज किया जाएगा, तो राज्य के कृषकों के हित में, देखिए कृषक कृषक मतलब कि फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स को चाहिए खाद चाहिए, अच्छे बीज चाहिए होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो कृषकों को क्या चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरकता, और इस समय जैविक खाद बहुत तेजी से चल रहा है कि हमें फर्टिलाइजर जो कि ये सब है दूसरी पेस्टिसाइड वगैरह इन सबको यूज नहीं करना है, बल्कि हमको अब जैविक मतलब कि बायोलॉजिकल खाद यूज करना है। तो कृषकों के, फार्मर्स के हित में भूमि की उर्वरकता को अक्षुण्ण रखते हुए, उर्वरकता में कमी ना आए, कुछ ना हो और बराबर बनी रहे, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ही यूज किया गया कंपोस्ट को बनाया गया, ताकि हम लोग रासायनिक जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक क्या, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, ये बहुत हद तक बहुत बुरा प्रभाव देते हैं हमारे समाज पे, और जो हम खाते हैं इसको, हमें कई बार बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, हमें कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए, इस दुष्प्रभावों से बचने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना हुई है। अगला देखते हैं लो फ्लोर एवं मिनी बस सेवा। लो फ्लोर एवं मिनी बस सेवा कहाँ शुरू हुई है, लो फ्लोर आप जानते हैं दिल्ली पे चल रही है, दिल्ली में बहुत लो फ्लोर बसें चल रही हैं, इनका फ्लोर बहुत नीचे तक होता है, मतलब इसमें चढ़ने में कोई कठिनाई होती, बहुत कठिनाई नहीं होती है, बहुत नीचे तक होता है, आराम से चढ़ा जा सकता है और बहुत ही रॉयल फील आती है। तो ये है लो फ्लोर और मिनी बस सेवा, प्रदेश के 7 शहरों में शुरू की जाएगी, 7 शहरों में शुरू हो जाएगी ये। और देखिए, और ये मॉडल कौन सा होगा, मॉडल होगा ट्रिपल पी। ट्रिपल पी क्या होता है, ट्रिपल पी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ट्रिपल पी होता है ये। और ये 7 शहरों में जो शुरू की जाएगी, वो 7 शहर कौन कौन से, मैं बता देता हूँ आपको, लखनऊ है आपका, इलाहाबाद है, मथुरा है, आगरा, कानपुर, वाराणसी, बनारस जिसे कहते हैं, और मेरठ है। अगला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक विवाह क्या होता है, एक ही टेंट पे, एक ही जगह पे कई लोगों, कई जोड़ों का विवाह होता है, उसको कहते हैं सामूहिक विवाह योजना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, पॉइंट में बताता हूँ आपको, गरीबी रेखा से नीचे सभी वर्ग, ऐसा नहीं है SC ST या OBC के लिए या फिर केवल जनरल के लिए, ऐसा नहीं है, ये सभी वर्ग जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके सभी वर्गों के लिए ये अप्लाई होगा और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होगा। कौन इसको पूरा करवाएगा, समाज कल्याण विभाग करवाएगा। दूसरी और तीसरी चीज है सरकार प्रति जोड़े को, देखिए 35,000 रुपये,
ये धनराशि देगी। 35,000 रुपये में इसके अंदर ही कुछ चीज़ें और आएंगी, जैसे बर्तन वगैरह आएंगे, बिछिया वगैरह आएगी, ये सब चीज़ें भी आएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी के लिए। शादी के लिए ये सब दिया जाता है, तो ये सरकार देगी। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस चीज़ में, और इसलिए ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। और इसका जो क्रियान्वयन करवाएगा वो ये शहर का DM करवाएगा। अगला है, ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग तक निर्मित प्रथम सेक्शन लखनऊ मेट्रो। देखिए, लखनऊ मेट्रो शुरू हो चुकी है, ये पहला जो चालू हुआ है, कहाँ से कहाँ तक हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग, ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बाग लखनऊ मेट्रो सबसे पहला जो फेज है वो शुरू हो चुका है, और ये 6 सितंबर 2017 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 6 सितंबर 2017, ये इम्पोर्टेंट डेट है। PCS वगैरह ये सब पूछते रहते हैं। और इसका लोगो लोगो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगो पूजा यादव जी ने बनाया है, और इनके डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छा लोगो है। आप देखेंगे तो लखनऊ मेट्रो का बहुत सुंदर लोगो है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पूंजी बनी हुई है इसमें वो 50-50% है। 50-50% मतलब 50% सेंट्रल ने लगाया है, 50% स्टेट ने लगाया। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी स्टेशन पर फ्री वाईफाई, वाईफाई फ्री मिलेगा, क्योंकि आजकल सबकी ज़रूरत है, वाईफाई यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे हमेशा बिजी रहते हैं, तो वाईफाई वगैरह यूज़ करने के लिए मिलेगा। और फ्री मिनरल वाटर, ये बहुत बड़ी चीज़ है मिनरल वाटर, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है हर इंसान को चाहिए होती है, और बहुत बड़ी ज़रूरत होती है मिनरल वाटर की। गंदा पानी नहीं, मिनरल वाटर है ये। हाथ धोने वगैरह के लिए पानी तो हर जगह मिलता है, लेकिन मिनरल वाटर बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक ये दिल्ली मेट्रो में भी नहीं मिलती है, और फ्री वाईफाई और मिनरल वाटर आपका लखनऊ मेट्रो दे रहा है। अगला है, निधि ई आई आर का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, ये निधि ई आई आर का फुल फॉर्म है। अब योजना के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ई निधि ई आई आर योजना में क्या है, इसमें अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जानते हैं यूपी में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। क्वालिटी कम हो गई है, अब क्वांटिटी बढ़ गई है, इसीलिए इस समय रोजगार की बहुत दिक्कत चल रही है इंजीनियरिंग कॉलेजों के बच्चों के। तो अग्रणी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके ऐसे 11 छात्रों को चयनित किया गया है। ऐसे मतलब 11 छात्र हैं जिनके आइडिया बहुत अनोखे हैं। आइडिया ऐसे हैं कि मतलब कुछ बदलने, कुछ कर गुजरने का आइडिया है। तो ऐसे छात्रों को चयनित किया गया है जो सबसे अव्वल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके 11 छात्रों को जिनके आइडिया बहुत ही अतरंगी हैं, अनोखे हैं। और इन्हें क्या किया जाएगा, 20 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। अब सोचेंगे आप, 20 से 30 हजार रुपये फेलोशिप क्यों दी जाएगी, ताकि ये किसी अगर इंटरप्रेन्योर को अगर शुरू करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ कर सकें। अपने लिए कुछ करेंगे तो इंटरप्रेन्योर के बारे में सोचेंगे। जैसे इकोनॉमिकली कोई कमज़ोर होता है तो वो ये सब सोच नहीं पाता, उसको खाने की दिक्कत रहती है, तो बाकी आगे क्या सोचेगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इनको 20 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और इनको प्रमोट किया जाएगा कि एंटरप्रेन्योर खोलें, ताकि ये औरों को नौकरी दे सकें। अगला है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग नीति। देखिए, 2017 की ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति आई है। इसमें क्या है, इसमें 3 जगहों को, नोएडा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरिया है, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार रोड बनाई गई है, यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया। क्या जो घोषित किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया, मतलब यहाँ पे ये जोन ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यूपी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया, किसको किसको, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्तों पर। अगला है, देखिए, उत्तर प्रदेश हैंडलूम पावर लूम सिल्क टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी। देखिए, यूपी की आई है हैंडलूम पावर लूम सिल्क टेक्सटाइल गारमेंटिंग,
पॉलिसी 2017, अभी हमने पॉलिसी पढ़ी थी, जो नीत पढ़ी थी, विनिर्माण पढ़ी थी, अब हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं हैंडलूम से रिलेटेड। इसको मंजूरी मिल गई है, ये कैसे काम करेगा? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपको बिजनेस करने में कितनी आसानी है, इसकी रैंकिंग भी निकाली जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी मतलब बिजनेस करना कितना आसान है, इस बात को सभी प्रावधान इस बात के सभी प्रावधान यहाँ पे प्रस्तावित वस्त्र नीति, वस्त्र नीति कौन सी है? यही है पॉलिसी, गारमेंटिंग पॉलिसी हैंडलूम वाली, इसमें लागू होगी। इसका मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे लागू होगा, बिजनेस को कितने अच्छे ढंग से और कितने आसानी से किया जाए ये इसमें लागू होगा। अगला है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, चावल का जो एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए वो कैसे किया जाए, उसकी योजना बनाई गई है 2017 से 22 तक के लिए। ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निर्यातकों का, कुछ लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ लोग प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे जो इंडिया से डायरेक्ट बाहर भेजते हैं, शिप वगैरह से कंसाइनमेंट वगैरह भेजते हैं, वो होते हैं। और जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो इनडायरेक्टली भेजते हैं, मतलब उनके सहारे से भेजते हैं, को मंडी शुल्क एवं विकास सेस में, सेस क्या होता है? सेस एक तरह का टैक्स होता है, जो टैक्स पर टैक्स होता है, सेस विकास सेस और शुल्क मंडी शुल्क, इन सबसे छूट प्रदत्त होगी, छूट मिलेगी इन लोगों को। दूसरा है बासमती चावल, देखिए बासमती चावल क्या है, बहुत अच्छा चावल होता है और इसकी डिमांड बाहर बहुत है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, निर्यात इसका बासमती चावल का निर्यात दायित्व तो सिद्ध करने के लिए धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45% रखा गया है। धान से जो रिकवरी होगी चावल की, उसका न्यूनतम मानक 45% रखा गया है। और जो नान बासमती चावल का है, जैसे बासमती चावल का मैंने बताया 45% है, नान बासमती चावल का 50% है। आगे चलते हैं, नवीन सौर ऊर्जा नीति, नवीन मतलब न्यू होता है, सौर मतलब सोलर होता है, ऊर्जा मतलब पावर होता है, और नीति नीति होती है। तो नवीन सौर ऊर्जा नीति में क्या किया गया है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंतर, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, जो विद्युत ऊर्जा है यहाँ, इस पर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च होता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा भी बनती है। अगर हम सौर, और ये क्या है, पॉल्यूशन थोड़ा करता है, पॉल्यूशन काफी करता है, और सौर ऊर्जा और इस नीति में क्या है, सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में जो अंतर है मतलब कि मेगावाट में जो अंतर है वो कमी लाएगा, इसमें कमी लाएगा, मतलब जितनी सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी उतनी ही विद्युत ऊर्जा से भी बननी चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। और बाद में ऐसा किया जाएगा कि सौर ऊर्जा से ज्यादा बनेगी और विद्युत ऊर्जा से कम बनेगी, पहले तो अंतर में कमी लाना है। और ये 5 सालों तक वैध है, 5 वर्ष के लिए वैध किया गया है, नवीन सौर ऊर्जा नीति 2017। अगला देखिए क्या है, 24 अक्टूबर को यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये क्या है, 24 अक्टूबर को लिया गया है, यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, और ये 5 सालों तक, 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। हाँ, अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट एक जनपद एक प्रोडक्ट, इसकी अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा, जापान सरकार ने पहली बार 1979 में, विश्व में पहली बार 1979 में जापान सरकार ने ये लाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ये बहुत ही सफल हुआ, और सफलता में ऐसा हुआ सफल कि इसको चीन ने और भी बाकी राष्ट्रों ने, इसमें चीन भी इस पर लागू है, चीन ने भी इसको अपनाया है, और जैसे मैंने लिखा है बाद में कई अन्य देशों ने भी इसे लागू किए, और इंडिया अब यूपी भी इसको लागू करने वाला है, और 24 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया है, 24 जनवरी 2018 को इसका शुभारंभ किया गया है। ये था हमारा करंट अफेयर्स का यूपी का वीडियो, और ये पार्ट सेकंड था, यहीं पे हमारा यूपी करंट अफेयर खत्म होता है। आगे आने वाले एग्जाम में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, इसके लिए और भी मैंने वीडियो बनाए हैं यूपी के लिए एग्जाम के लिए, जैसे हिंदी का भी है, हिंदी स्पेशल है, वो भी आपके इम्पोर्टेंट होता है हिंदी यूपी के लिए, तो वो सब देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। धन्यवाद।